हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी धाबा स्टाइल चिकन तड़का। बहुत ही इजी सा रेसिपी है, घर पे झटपट से बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 100 ग्राम ग्रीन मूंग दाल को ओवरनाइट भिगो के अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। कढ़ाई में 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, 2 कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक चॉप किया हुआ टमेटो ऐड करेंगे और इसको भी 2 to 3 मिनट्स तक फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन एंड ग्रीन चिली का पेस्ट करीब 4 टेबलस्पून। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड चिकन मसाला पाउडर। फ्राई कर लेंगे कुछ देर तक। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चिकन यूज किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढक के इसे कुक करना है जब तक ना चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। चिकन कुक हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ दाल। वन टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। 2 to 3 मिनट्स तक और यहाँ पे पकाना है। तो लीजिए, धाबा स्टाइल वाला चिकन तड़का एकदम से रेडी हो चुका है। आप इसको सर्व कर सकते हो रोटी या नान के साथ। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा।